हेलो गाइस, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ आम की लौंजी। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने हाफ केजी मैंने आम लिया है। इन्हें मैंने धो करके साफ करके और मैंने पोंछ लिया, इसी तरह से सुखा लिया है। ड्राई है आम। और इस तरह से हम थोड़ा सा किन ऊपर से काट देंगे। अब इसे हम इस तरह से फिल आउट कर लेंगे। देखिए, मैंने सारे आम को अच्छी तरह से फिल आउट कर लिया है। अब ये इस तरह से मैं बड़े बड़े पीस इनके निकाल करके इस तरह से, हमको लौंजी बनाना है तो हमको बड़े बड़े पीस चाहिए। ये देखिए, तो इस तरह से मैं बड़े बड़े पीस काट लूँगी आम के। देखिए, मैंने सारे आम अच्छी तरह से काट लिए हैं। देखिए, बड़े बड़े पीस। तो चलिए चलकर अब हम लौंजी बनाते हैं। 2 चम्मच हम जीरा ले लेंगे, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। जीरा भी हमारा देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हमारा मेथी दाना भी बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच राई ले लेंगे, इसे हम रोस्ट कर लेंगे। देखिए, राई हमारी बहुत अच्छी तरह से फूटने लगी है। ये देखिए, तो हम निकाल लेते हैं। 2 चम्मच हम जीरा ले लेंगे, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। जीरा भी हमारा देखिए बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। मैंने 2 चम्मच कलौंजी लिया है, कराए, इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए, हमारी कलौंजी भी बहुत अच्छी तरह से भुन गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। मैंने एक जार ले लिया है, मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, तो मैंने जीरा, राई, सौंफ, मेथी, इन सबको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी मिक्सी में। तो देखिए, मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिए हैं। ये देखिए, गैस हमने चालू कर दिए हैं। देखिए, हम मैंने सरसों का तेल लिया है 1/2 कप। और इसमें मैं हींग डाल दूँगी 1 पिंच। तेल हमारा गर्म हो गया अच्छी तरह से। मैंने 1/2 टीस्पून मैंने मेथी लिया है, और जीरा, राई, सौंफ, कलौंजी, ये मैंने 1-1 चम्मच ली है, इसे हम डाल देंगे। जो हमने मसाले पीसे हैं वो हम इसमें मसाले डाल देंगे। देखिए, मैं सारे मसाले इसमें डाल दूंगी पिसे हुए। हल्दी डाल देंगे हम, मैंने 4 चम्मच हल्दी ली है, ये डाल देंगे। देखिए, हल्दी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। इसमें हम आम डाल देंगे, अपने टुकड़े आम के, इसे हम चला लेंगे, फिर मिक्स कर लेंगे। देखिए, आम मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें मैं 1 कटोरी शक्कर डाल दूंगी, 100 ग्राम। गुड़ हम डाल देंगे 100-150 ग्राम। रेड चिली हम डाल देंगे 2 स्पून, कश्मीरी रेड चिली है। 1/2 टीस्पून हम काला नमक डाल देंगे। नमक हम स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, वाइट वाला। ये मैंने 4 चम्मच नमक लिया है, 4 से 5 चम्मच। अब इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरह से हमारे आम में शक्कर और गुड़ कोट हो गया है। देखिए, सब मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब इसमें हम कलौंजी डाल देंगे, जो हमने भुने थे 1/2 कप।
खड़ी कलौंजी हमको डालना है। और ये मैंने 6-7 इलायची को मैंने क्रश कर लिया है, ये हम डाल देंगे। इसमें हम सिरका डाल देंगे 4-5 चम्मच, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी अचार की। साल भर अचार को आप बहुत अच्छी तरह से रख करके एंजॉय कर सकते हैं। 1 चम्मच में मैं सिट्रिक एसिड डाल दूंगी, इससे अचार हमारा साल भर ख़राब नहीं होगा। आप बहुत अच्छी तरह से साल भर एंजॉय कीजिए। इसे मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। देखिए हमारी आम की लौंजी बनके तैयार है और हम गैस को बंद कर देंगे। चलिए जी गैस बनकर तैयार है हमारा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी हमारा आम की लौंजी। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।